हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में 5% के ऊपर की गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है। मार्केट के गिरावट के साथ साथ हम देख सकते हैं स्टॉक जो है 15 रुपये 10 पैसे पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक लो और लो पैटर्न बता रहा है, बड़ी गिरावट दिखा सकता है। तो हमने एक आखिरी सपोर्ट के तौर पर इस लेवल को डिस्कस किया था, 15 रुपये के लेवल को। और स्टॉक इस वक्त अपने आखिरी सपोर्ट पर, यानी आखिरी उम्मीद हमारी इसी पर कायम है, 15 रुपये के सपोर्ट पर। अगर ये सपोर्ट टूट गया तो फिर वैसे कंडीशन में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमको बाइंग भी देखने के लिए मिल सकती है, बायर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इस बाइंग पर हमको अवेयर रहना होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ देखने के लिए मिली थी, अगेन स्टॉक जंप के बाद रिजेक्शन लेकर अपने लो को ब्रेक डाउन कर गया था। हमको यहाँ से 15 रुपये 80 पैसे से लेकर 16 रुपये तक का भी जंप देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन स्टॉक अगर रिकवरी दिखा के इस हाई के ऊपर, इस 18 रुपये के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन ऑलरेडी स्टॉक में हमको बड़े टारगेट देखने के लिए मिले, तो यहाँ से गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। हाईली चांसेस बन रहे हैं कि स्टॉक 15 रुपये के सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक डाउन कर जाए। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो फिर वैसे कंडीशन में और बड़ी गिरावट जेपी पावर में हमको देखने के लिए मिल सकती है। इसीलिए अब थोड़ा सा इंतज़ार करना ठीक रहेगा। मार्केट और स्टॉक दोनों हमको गिरावट दिखा रहे हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।